चिकलदारा नाम के गांव में मुन्ना नाम का एक चोर हुआ करता था। वो एक दिन अपने गैंग से, रे हम घरों पर अब चोरी करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो बहुत रिस्की हो रहा है रे। लोग होते हैं, कुत्ते होते हैं, और तो और चोरी किया हुआ वो सोने को बेचने में जाओ तो इतनी परेशानी होती है, इसीलिए अब से हम पैसों से भरा एटीएम मशीन को चुरा लेते हैं। कहकर बहुत सारे एटीएम मशीन को चुराने गए। वो मशीन को खोलने के लिए बहुत मेहनत किए। ऐसे काम नहीं चलेगा सोचकर सारे मशीन को ही उठा ले गए। सारे मशीन यूं गायब हो गए। एक साथ होने वाली इस चोरी से बैंक अधिकारी परेशान हो गए थे। पुलिस कंप्लेंट दिए, फिर भी चोरी यूं ही होती रही। आखिर में बैंक अफसर पेपर और टीवी पर एक विज्ञापन दिए, आप लोग हर दिन पेपर में ये एटीएम चोरी के बारे में पढ़ रहे होंगे, आप में से कोई हो जो इस मशीन को इस तरह डिजाइन कर सके कि वो हिल भी ना पाए ना ही उसे कोई ले पाए तो हमें कंसल्ट कीजिए। यू अनाउंस करते ही मुन्ना को एक आइडिया आया। वही सीधे ऑफिसर के पास गया। सर मेरा नाम मुन्ना है, मैं नए किस्म के एटीएम मशीन डिजाइन किया हूँ सर, ये देखिए। उसका डिजाइन किया गया कोकोनट एटीएम उन्हें दिखाया। वो देखकर अफसर, ये क्या भाई नारे लेकर आए हो और वो भी इतना बड़ा, इसका हम भला क्या करें? हमने पैसे देने वाली मशीन मांगी थी, नारियल देने वाली मशीन नहीं। सर सर ये पैसे देने वाली मशीन ही है, चाहो तो देखो ये बटन जितने दबाए उतने पैसे देती है। कहकर ऑपरेट करके दिखाया तो उसमें से पैसे बाहर आए। वो देखकर बैंक वाले हैरान रह गए। सर सर यही नहीं, इसमें एक और अनोखी बात है, इसे तोड़ना आसान नहीं है, इसे इतने मजबूत आयरन से तैयार किया हूँ, कोई चोर इसे तोड़ने की कोशिश किए तो आपके बैंक और पास वाले पुलिस स्टेशन को वार्निंग अलार्म ट्रिगर हो जाएगा, वो अलार्म सुनते ही आप लोग जाकर उन्हें पकड़ सकते हो। यूं कहते ही, वाह शाबाश मुन्ना शाबाश सुपर, इन चोरों से परेशान हम जैसे लोगों के लिए तुमने इतना अच्छा उपाय निकाला, इतना बड़ा आविष्कार किया तो सरकार से अवार्ड भी दिलाएंगे, ये और भी बनाकर हमें दे दो। कहकर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मुन्ना को बहुत सारे पैसे दिए। उन पैसों से मुन्ना कई सारे कोकोनट एटीएम मशीन तैयार करवा कर सप्लाई भी किया। उन्हें देखकर मुन्ना के गैंग में से एक, ये क्या भाई बैठे बैठे इतने अच्छे इंसान बन गए, इतना मजबूत ये नया वाला एटीएम मशीन बनाओगे तो हम चोरी कहाँ से करेंगे, पता नहीं भाई जो आप किए हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे गधे अब बैंक वाले चोर के हाथ में ही चाबी दे दिए, आओ दिखाता हूँ इस कोकोनट एटीएम मशीन में किसी को ना पता चले वैसे वाला कोड कॉम्बिनेशन सेट किया हूँ, हम मामूली कस्टमर जैसे जाकर कोड देकर मुन्ना की जादुई मशीन हमको पैसे दे दो ये वॉइस कमेंट देके तो काफी है, फिर हमें कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मशीन खुद ब खुद हम पर पैसों की बरसात कर देगी, इस मशीन को ना ही तोड़ने की जरूरत होगी ना ही उठाकर लाने की, आराम से पैसे ला सकते हैं। कहकर ऑपरेट करके दिखाया तो गैंग के लोग बहुत खुश हो गए। वाह भाई क्या बात है, आपका इंटेलिजेंस हम देख ही नहीं पाए, अब हमें पकड़ना किसी की भी बस की बात नहीं है। मुन्ना उन कोकोनट मशीन्स को बैंक वालों को डिलीवर किया, उन्होंने यहाँ वहाँ उन्हें लगा भी दिया। उन्हें देखकर लोग आश्चर्य से, वाह नए किस्म के एटीएम मशीन्स, बहुत अच्छा है, बहुत अलग किस्म के भी है ये। सोचे कुछ दिन तक कोई चोरी नहीं हुई, फिर देखा तो मशीन से अपने आप गड्डियां भर के पैसे गायब होने लगे। बैंक वाले फिर से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। वो कंप्लेंट देकर एसआई, ये क्या कुछ तो बात चुभ रही है, मशीन वैसे का वैसा ही है लेकिन पैसे गायब हो रहे हैं, है तो वो डिजाइन में ही कुछ गड़बड़ है, उसे किसने डिजाइन किया, कौन सी कंपनी वाले ने? मुन्ना नाम की कंपनी वाले सर, यही है उनका ओनर, देखिए। कहते हुए मुन्ना का फोटो दिखाया। वो देखकर एसआई, अरे ये नंबर वन फ्रॉड है सर, अब तो सीधे चोर के हाथ में ही चाबी दे दिए, कोई इस पर शक ना करे और वो पैसे भी गायब कर ले इसीलिए ऐसा किया होगा, उसे पकड़ने के लिए मेरे पास एक उपाय है, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ेगा। कहते हुए एक कोकोनट मशीन मंगवा कर इसमें पैसों के बदले मुझे रखिए, कहकर उसमें जाकर बैठा। ये बात से अनजान मुन्ना एक दिन वो कोकोनट मशीन को दबाकर एक कोड दबाया, मुन्ना की जादुई मशीन मुझे पैसे दे दो। कहते ही उसमें से पैसे नहीं निकले, फिर से थोड़ा जोर से, अरे ये क्या हुआ उसे, मुन्ना की जादुई मशीन मुझे पैसे दे दो, कहकर उस पर जोर से मारा, फिर भी पैसे नहीं आए। ये मशीन को क्या हुआ, अंदर से स्टक हो गया क्या? सोचकर अंदर हाथ डाला, बस अंदर बैठा एसआई उसके हाथ में हथकड़ी पहना दिया। किसी के हाथ में नहीं आने वाले मुन्ना को पकड़ने के कारण एसआई को अवार्ड मिला। उसका नाम सुप्रिया है। एक बार सुप्रिया के घर पर उसकी पत्नी, ओ जी कब तक क्यों खाली बैठोगे, कुछ तो नौकरी या कामकाज कर सकते हो ना? नौकरी तो मुश्किल है,
पर व्यापार करने का सोच रहा हूँ, लेकिन क्या व्यापार करूँ समझ नहीं आ रहा है। यूं घर पर बैठे रहोगे तो आइडिया कैसे आएगा जी? कभी खेत में या बाहर घूमने जाओगे तभी तो विचार आएगा ना। सुप्रिया उस शाम खेत में चल रहा था तो देखा कि कुछ किसान वहाँ दुखी बैठे हुए थे। सुप्रिया वहाँ जाकर, क्या हुआ जी, क्या है आपकी समस्या? क्या बताऊं बाबू, फसल हाथ में आई उससे हम बोरी में भी भर दिए, लेकिन उससे शहर भेजने के लिए लॉरी ड्राइवर्स आ ही नहीं रहे। जितना भी उनको बुलाए अभी आएंगे कह रहे, लेकिन आते ही नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है बाबू। एक बस्ते का कितना देते हैं उन्हें? एक बस्ते का 50 रुपए देते हैं। तुरंत सुप्रिया को एक उपाय सूझा। वो घर जाकर अपने पत्नी को आइडिया सुनाया। पत्नी को आइडिया बहुत पसंद आ जाने से उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा। अगले दिन सुप्रिया वो ट्रैक्टर लेकर किसानों के पास गया। अब से आप लोगों को उन लॉरी वालों का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लोड मेरे ट्रैक्टर में भर दीजिए, मैं शहर तक पहुंचा दूंगा। उन्हें जितना पैसे दे रहे थे उतना ही दीजिए। किसान खुश होकर अपना लोड को ट्रैक्टर में चढ़ाकर उसे पैसे दिए। इस तरह सुप्रिया फसल को ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। कुछ ही समय में बहुत सारे पैसे कमा लिए। एक दिन पत्नी, ओ जी अब तो हम अच्छा खासा कमा रहे हैं ना, तो एक और ट्रैक्टर खरीद कर कुछ ज्यादा पैसे कमा लीजिए। सुप्रिया अगले दिन किसानों के पास जब लोड चढ़ाने जा रहा था तो रास्ते पर, हाँ मैं ट्रैक्टर खरीद कर किसी और को तंकवा देने से अच्छा मैं ही क्यों ना डबल लोड चढ़ाकर ज्यादा पैसे कमा लूँ, तब तो सारे पैसे मुझे ही मिलेंगे ना, सोचा और अपना ट्रैक्टर का कंपार्टमेंट का साइज बढ़ाया। फिर सुप्रिया किसान के पास जाकर, देखिए अब से आप 2 गुना ज्यादा लोड मेरे ट्रैक्टर में चढ़ा सकते हैं, एक ही बार मैं पूरा लोड ले जाऊंगा। सही है, लेकिन ये ट्रैक्टर इतना लोड खींच पाएगा क्या? ये डबल हॉर्स पावर का इंजन है चाचा जी, कुछ भी खींच लेगा, आप बेफिकर होकर चढ़ाइए। तब सारे किसानों ने अपना लोड को उस ट्रैक्टर में चढ़ाया। ट्रैक्टर को तब फुल रेस करने के बाद, शुरू में थोड़ी सी मुश्किलों के बाद आखिरकार ट्रैक्टर ने एकदम से लोड को खींच लिया। उस दिन 2 गुना ज्यादा पैसे मिलने के बाद सुप्रिया, 2 गुना का 3 गुना ज्यादा पैसे आने चाहिए, यूं सोचकर कंपार्टमेंट का साइज और ज्यादा फैला दिया। अगले दिन किसानों के पास आकर, इस बार 3 गुना ज्यादा डालिए। रे दिन ब दिन तुम्हारी लालच बढ़ती जा रही है, इतना लोड तुम्हारा ट्रैक्टर खींच नहीं पाएगा रे। दादाजी आप डालिए, वो सब मैं देख लूंगा ना। 3 गुना लोड डालने के बाद सुप्रिया ट्रैक्टर को फुल एक्सेलरेट किया। बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करने के बाद भी जब शुरू नहीं हुई तब और जोर से एक्सेलरेट करने लगा। तब एकदम से ट्रैक्टर के आगे के 2 पहिए हवा में ऊपर उड़ गए। सुप्रिया एकदम से हाय राम कहते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा। हाय राम कमर टूट गई रे, चिल्लाने लगा। किसान ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में पत्नी, ओ जी आपने ऐसा काम क्यों किया, मैंने तो कहा था ना कि दूसरा ट्रैक्टर खरीदिए। हाँ सही है, लालच में आकर जो भी कमाया था उसे भी खो दिया है, अब जाकर अकल आई है। जिम, एक गांव में एक जिम था, उसमें बहुत सारे युवक वर्जिश करते थे। उस जिम का मालिक का नाम था राम सिंह, उसके बेटे का नाम था भीम सिंह। भीम सिंह ने भी उसी जिम में वर्जिश करके बॉडी बनाकर एक बढ़िया बॉडी बिल्डर का नाम कमाया। वो जिस कंपटीशन में भी जाता था उसमें पहला इनाम वही जीतता था, इससे उसमें घमंड होने लगा। गांव में दादागिरी भी करने लगा, दुकानदारों से हफ्ता वसूल करना शुरू किया। इतना ही नहीं, जिम में यदि कोई वजन ना उठा पाता तो उसे देखकर हंसता था और मखौल करता था। गांव में और कोई जिम ना होने के कारण लोग कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन पिता राम ने बेटे से, बेटे गांव के लोग तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे हैं, तुम यूं ही कंपटीशन जीतते रहे तो सरकारी नौकरी मिलना लाजमी है, यूं हफ्ता वसूल करना पाप है और जिम में आने वालों की मजाक उड़ाते हो, ये तो गलत बात है बेटा।
भीम सिंह। किसने कहा? उसका नाम बताओ, आपके सामने ही उसे कहलवा दूंगा कि वो झूठ है। कसरत सही नहीं करेंगे तो मजाक ना उड़ाकर आरती उतारेंगे क्या? एक दिन जब राम सिंह नहीं था तब एक व्यक्ति जिम में दाखिले के लिए आया। वो बहुत दुबला पतला था। सर मेरा नाम राजू पहलवान है, मैं जिम ज्वाइन करने आया हूँ, महीने का कितना देना होगा? भीम सिंह। क्या तुम्हारा नाम पहलवान है? तो उस नाम का तुम्हारे शरीर से कोई मेल नहीं, माचिस का तिल्ली नाम रखो, बिल्कुल जचेगा। कहकर हंसने लगा। ऐसे अपमान ना करें सर, बाहर सब हंसते हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप भी मजाक उड़ाएंगे तो कैसा होगा? कृपया करके ट्रेनिंग दें प्लीज। यूं भीम सिंह ने उससे पैसे लेकर उसे ज्वाइन कर लिया। बाद में उसे वेटलिफ्टिंग करके दिखाया। जब वो उठाने लगा तो ध्यान से, अगर वो तुम पर गिर गया तो तुम कोमा में चले जाओगे। कहकर हंसने लगा। यूं पहलवान कुछ भी करता तो पास खड़े होकर हंसता था भीम सिंह। ये देख पहलवान दुखी होने लगा। जिम में बाकी लोग भी ये सब देख रहे थे, लेकिन पहलवान हर रोज निष्ठा से आता था। एक दिन जिम के बाहर, सर आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप जो खुराक लेने के लिए कह रहे हैं वही खा रहा हूँ, मेरा बॉडी बनने के लिए और कितने दिन लगेंगे? भीम सिंह। तुम्हारी बॉडी बनने के लिए? वो इस जन्म में नहीं होगा, कंकाल कभी सलमान खान बन सकता है क्या? तब राम सिंह के साथ जिम में कसरत करने वाले में से एक व्यक्ति, भीम सिंह उसका मजाक क्यों कर रहे हो, किसी के आकार को लेकर अवहेलना करना गलत है। इतने में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आया और गांव में गोरिल्ला आया है, भागो भागो कहकर चिल्ला रहा था। भीम सिंह अपने साथ है तो हमें किस बात का डर है, आने दो देख लेंगे। गोरिल्ला का नाम सुनते ही भीम सिंह डरने लगा, लेकिन डर दिखाने में बेइज्जती होती इसीलिए वो गंभीर चेहरा बनाकर रखा। गोरिल्ला गांव में आ रहा था तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे डर के। तभी गोरिल्ला वहाँ आ पहुँचा, उसे देखकर सब भीम सिंह के पीछे जा छिपे। गोरिल्ला नजदीक आने लगा तो भीम सिंह डर कर बाप रे चिल्लाता हुआ एक खंभे के ऊपर चढ़ बैठा। गोरिल्ला वहाँ खड़ा होकर दहाड़ने लगा। तब पहलवान एक केला लेकर उसके पास गया, साहस जुटाकर उसे केला दिया। वो केला लेकर खाने लगा। फिर पहलवान ने उसका हाथ पकड़कर चलते हुए उसे जंगल में जा छोड़ा। गोरिल्ला टाटा कहते हुए वहां से चला गया। बाद में गांव में राम सिंह, देखा भीम सिंह, आदमी शरीर से बलवान नहीं बल्कि दिल से पहलवान होना चाहिए, ये उस पहलवान में भरपूर है, कम से कम अब तो तुम बदलो और अच्छा नाम कमाओ। यूं भीम सिंह में बदलाव आया और अच्छा नाम कमाने लगा।